अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 22, यूनिट नंबर 3, विच इज़ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने पहले डिफरेंशिएशन सीखी है, उसका रिवर्स प्रोसेस हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, उसका उलट प्रोसेस। तो पेज नंबर 125 पे आपके कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, जिन फार्मूलाज को फॉलो करते हुए हम लोग अपने इंटीग्रेशन करेंगे। तो सम स्टैंडर्ड फार्मूलाई फॉर इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास है, इनकी सिंपल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है और जनरल फॉर्म आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं। वैसे आप लोग सिंपल फॉर्म ही अपने जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो फार्मूला है उसे पावर रूल भी कह सकते हैं, और वो हमारे पास है एक्स रेज टू पावर एन। यानी कि अगर आपके पास किसी फंक्शन की पावर एन हो तो फिर उसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी, पावर फार्मूला किस तरह से लगेगा कि उसकी पावर में एक ऐड होगा और वही पावर में एक ऐड होकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, वो हम ज़रूर लगाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग इंटीग्रेशन। जब आपका इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपकी इंटीग्रेशन हो जाती है, तो फिर आप साथ आंसर के साथ प्लस सी लगाते हैं। इसी तरह से हमारे पास सेकंड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे डी एक्स हमें ये शो कराता है कि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो साइन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज एक्स, और प्लस साथ प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह से कॉज की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन एक्स, और सेकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है टेन एक्स। कोसेकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। इसी तरह से सेकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है सेकेंड एक्स। इसी तरह कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कोसेकेंड एक्स, और ई एक्स की पावर ई एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है ई रेज़ टू पावर एक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव भी हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स होता है, और इसी तरह से इसकी इंटीग्रेशन भी ई रेज़ टू पावर एक्स होती है। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट है ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन। तो ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी। इसी तरह से वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसी तरह से टेन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स, या इसे आप नेचुरल लॉग ऑफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास है कॉट एक्स। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। इसी तरह से सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और कोसेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई फंक्शन के साथ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे कि वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और उस फंक्शन की सिंपल इंटीग्रेशन होगी। उसके बाद हमारे पास है कि अगर दो से कोई से दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो फिर आप उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उनकी इंटीग्रेशन वैसे अलग अलग हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास किसी फंक्शन का की पावर एन है और साथ ही उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों साथ साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कैसे होती है, पावर रूल लगा दिया जाता है, एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो रेसिप्रोकल में पड़ा है, यानी कि नीचे पड़ा है फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, यानी कि वो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए और फंक्शन नीचे, तो फिर आपके पास, या इसको आप कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स की पावर माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो फिर इस तरह के फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो होती है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसी तरह से हमारे पास आगे इन्हीं फार्मूलाज को फॉलो करते हुए हम अपने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने इवेल्यूएट करना है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को, और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास इंटीग्रल्स के ऊपर लिमिट नहीं होती। आगे आप फर्दर एक्सरसाइज में देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लिमिट दी हुई होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3x² - 2x + 1। तो अब इन सब पे हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो 3x² की इंटीग्रेशन माइनस 2x की इंटीग्रेशन इन प्लस 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी। तो 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है। और सबसे पहले हम इंटीग्रेशन लेंगे x² की, इसी तरह से 2 बाहर आ जाएगा और x की इंटीग्रेशन होगी, और इसी तरह से प्लस 1 हो जाएगा। और अब देखें x² की इंटीग्रेशन हम यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, और पावर रूल जब हम x² पे लगाएंगे तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा और वैसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो एक्स की पावर में एक ऐड होगा और वही 1 + 1 नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, x + c। तो जब हम लोग पावर रूल लगाएंगे तो 3/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x³ हमारे पास रह जाएगा। इसी तरह से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और x² हो जाएगा, प्लस 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा x³ - x² + x + c। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, √x + 1/√x। तो इसको हम पहले पावर की फॉर्म में लिखेंगे और फिर इस पर पावर रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x की पावर 1/2 में एक ऐड होगा तो ये 3/2 हो जाएगा, और बाहर आके ये 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से x की पावर -1/2 पे जब हम 1 ऐड करेंगे तो 1/2/1/2 हो जाएगा, और नीचे वाला 1/2 पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2/3 एक्स की पावर 3/2 + 2x + 1/2 + c हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 2x + 3 की पावर 1/2 है। तो यहाँ पे पावर रूल लगाने से पहले आपने देखना है कि अगर इंटरनल फंक्शन का कोई डेरिवेटिव बनता है तो पहले हम उसकी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि ताकि साथ हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद हो और फिर हम लोग उसके पे पावर रूल लगा सकें। इस तरह से यहाँ पे देखें 2x + 3 का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 2। 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिवीजन वाला बाहर आ गया 2, और मल्टीप्लिकेशन वाला अंदर फार्मूला के लिए यूज़ हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे पावर रूल के ज़रिए इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर है 1/3 × 2x + 3 की पावर 3/2, प्लस सी साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 करेंगे, और पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है √x - 1/√x² तो पहले हम इसका होल स्केयर ओपन करेंगे और फिर इस पर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर रूल लगता है, तो x² / 2 हो जाएगा, और 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और यहाँ पे ये हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स, तो ये -2x आएगा यहाँ पे, -2x + c। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 11, e^2x + e^x / x/e^x। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, e^x को डिवाइड करेंगे दोनों के नीचे अलग अलग, और एक कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा e^x और e^x / x कैंसिल हो जाएंगे, e^x + 1 हो जाएगा। तो e^x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है e^x, और 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी + c। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहले हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए, और रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा √x + a - √x + b/a - b। तो a माइनस बी जो डिवाइड हो रहा है वो हम बाहर ले आएंगे, और फिर अलग-अलग अंतरवलों के ऊपर पावर रूल लगा के इनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। इसमें आप लोग ये देखें ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाले फ्रैक्शन की भी, ऊपर वाले पॉलीनोमियल की भी डिग्री 2 है और नीचे वाले की भी 2 है। तो इसको पहले हम प्रॉपर बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, प्रॉपर बनाने के बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, और 1/1 + x² की इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है tan inverse x होती है, क्योंकि tan inverse x का जो डेरिवेटिव होता है
वो 1/1 + x के रूप में। तो इसी तरह से 1/1 + x के की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी tan−1x। आगे हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 7, इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे cos·x, यानी कि cos·2x हमारे पास 1−2 sin²x होते हैं, तो 1−cos·2x हमारे पास हो जाएगा 2 sin²x, और यहाँ पे हम लोग 2 sin²x पुट करेंगे तो √2 बाहर आ जाएगा और sin x रह जाएगा, sin x की इंटीग्रेशन होती है −cos x, तो ये बन जाएगा −√2 cos x। इसी तरह से cos 3x sin 2x की यहाँ पे हम आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अंतर आ जाएगा sin 5x −sin x, और sin 5x की इंटीग्रेशन हो जाएगी −sin 5x/5, और sin x की इंटीग्रेशन होती है −cos x, तो −−, प्लस हो जाएगा, और अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं तो −1/2 बाहर आ जाएगा, cos 5x 5 −cos x + c हो जाएगा।